गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल अपन ने पढ़ लिए थे बिजनेस प्रोसेस, उनके रिस्क, उनके कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक अपना, दैट इज रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। इसमें सबसे पहले है आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ऑलरेडी आप लोगों को आता है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आईटी एक्ट। अपन पढ़ चुके हैं डिटेल में अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का एम क्या होता है, आईटी एक्ट क्यों बनाया गया था, ताकि जितना भी ई कॉमर्स से रिलेटेड काम हो रहा है, डिजिटल मीडिया में काम हो रहा है, उसको ऑथराइज करना, उसको ऑथराइज करना। जितना भी आप ई कॉमर्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उस काम को ऑथराइज करना, ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करवाना, लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना, इसलिए आईटी एक्ट आया था। ठीक है, आईटी एक्ट में कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं। कंप्यूटर पे, कंप्यूटर्स की हेल्प से क्या क्या ऑफेंसेस किए जा सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं। क्या क्या है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, क्या क्या है? पहला है आपका हरासमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल। हरासमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल मतलब क्या होता है, आप लोग सुनते हैं फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना ली, किसी ने आपके नाम से, किसी ने मेरे नाम से कोई प्रोफाइल बना ली, उसमें मेरा ही एड्रेस डाल रखा, मेरी फोटो लगा रखी, मेरा ही फोन नंबर लगा रखा है, और फिर वो मेरे नाम की प्रोफाइल से, जो फेक प्रोफाइल बनी हुई है उसके नाम से किसी और बंदे को कुछ गलत गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो इससे नाम किसका खराब होगा, मेरा खराब होगा, तो विक्टिम हरास हो जाएगा। तो किसी और के नाम की आपने प्रोफाइल बना ली, उसकी फोटो, उसकी आईडी, सब कुछ सोशल मीडिया पे आपने काम में ले लिया, और फिर आपने उसकी प्रोफाइल से किसी को गलत मैसेजेस, रॉन्ग मैसेजेस भेज दिए, दैट इज हरासमेंट बाय अ फेक पब्लिक प्रोफाइल। नेक्स्ट है दैट इज ईमेल अकाउंटिंग हैकिंग। ये भी आप लोगों ने नाम सुना हुआ है कि ईमेल अकाउंट हैक हो जाता है, किसी ने क्या किया, मेरा ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। अब हैकिंग कर ली तो उसने मेरे ईमेल से, मेरे ईमेल आईडी से, जितने भी मेरे ईमेल एड्रेस में जो लोग थे जिनको मैं मेल करती हूँ, उनको कोई गलत मैसेज कर दिया, गलत मेल कर दिया, तो इससे नाम किसका खराब होगा, मेरा खराब होगा, गुडविल किसकी खराब होगी, मेरी खराब होगी। देन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, किसी ने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा ली, मेरा क्रेडिट कार्ड के जो भी नंबर्स होते हैं वो चुरा लिए, और गलत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गलत जगह ऑनलाइन उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी हो सकता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में। देन नेक्स्ट है वेब डिफेंसमेंट का मतलब क्या होता है, वेब डिफेंसमेंट की कोई वेबसाइट है, उसका जो होम पेज, आप खोलते ही जो सबसे पहले आपको पेज दिखता है, किसी ने उस होम पेज की जगह कोई पोर्नोग्राफी वाली साइट चला दी, उस होम पेज की जगह कोई गलत पेज, कोई रॉन्ग चीज वाला, कोई पोर्नोग्राफी वाली साइट चला दी, उस होम पेज पे कोई ऐसी साइट चल गई जिससे उस वेबसाइट का नाम खराब हो जाएगा, दैट इज नोन एज वेब डिफेंसमेंट। Then introducing viruses, जानबूझकर कई लोग वायरस, बॉम्ब, सलामी टेक्निक से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों, उस प्रोग्राम को हार्म पहुंचाने के लिए, उस प्रोग्राम को डैमेज करने के लिए, जानबूझकर किसी प्रोग्राम में आप वायरसेस, जो भी हैकर है वो वायरसेस इंट्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है दैट इज साइबर टेररिज्म। कई बार क्या होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जितना भी उन्होंने गलत काम किया है, या तो उसको जैसे गूगल ड्राइव पे वो स्टोर करके रख रहे हैं जो गलत काम की इंफॉर्मेशन है, या उसको यूएसबी, आप पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स, इन सब में स्टोर करके रख रहे हो, तो जो गलत काम की डिटेल है वो आप डिजिटल मीडिया में स्टोर कर रख सकते हैं वो लोग। देन ऑनलाइन सेल्स
ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, इलीगल चीजें ऑनलाइन बिक रही हैं लाइक ड्रग्स वगैरह आपके ऑनलाइन सेल आउट हो रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन सेल्स ऑफ इलीगल आर्टिकल्स. देन साइबर पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी वैसे तो इलीगल है बट फिर भी बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस हो सकता है. देन फिशिंग एंड ईमेल स्कैम्स, फिशिंग एंड ईमेल स्कैम. फिशिंग का मतलब क्या होता है, किसी ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, किसी ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, किसी ने आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी कर ली, आपके पासवर्ड्स वगैरह को चुरा कर फिर उस पर काम करने लग गए, दैट इज नोन एज फिशिंग. फिशिंग एंड ईमेल स्कैमिंग ये भी हो सकता है. देन नेक्स्ट है यहाँ पे थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी ने चोरी कर ली, हैकर ने कोई मेरी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरी क्रेडिट कार्ड का नंबर मेरा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मेरा पासवर्ड वगैरह मेरा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो कोई चुरा सकता है. नेक्स्ट है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में, दैट इज सोर्स कोड थेफ्ट. किसी ने सोर्स कोड चुरा लिया. सोर्स कोड अपन पढ़ चुके हैं क्या मतलब होता है सोर्स कोड का. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज्वेल के जैसे, मतलब ये क्राउन है, ये पूरे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोर्स कोड. अगर किसी ने वही चोरी कर दी, उसने भी गलती कर दी, तो पूरा प्रोग्राम मेरा सही से रन नहीं कर सकता. एंड साइबर क्राइम्स भी हो सकते हैं कंप्यूटर के जैसे. साइबर क्राइम मतलब आपको उसके घर में जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठे हुए अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर को आप हैक कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकते हैं. तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बैठे हुए किसी के भी कंप्यूटर उसके डेटा को हार्म पहुंचा सकते हैं. तो ये सारे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं. क्या क्या? हरासमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल. किसी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे फेसबुक पे मेरे नाम की गलत प्रोफाइल बना ली, उसमें मेरी फोटो, मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर डाल रखा है और मेरी प्रोफाइल से वो किसी को गलत इंफॉर्मेशन भेज रहा है. देन ईमेल अकाउंट हैकिंग. किसी ने मेरा ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया और मेरे ईमेल से लोगों को गलत मेल भेज दिए. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया किसी ने. वेब डिफेंसमेंट, किसी वेबसाइट का होम पेज की जगह कोई पोर्नोग्राफी साइट चलने लग गई. इंट्रोड्यूसिंग वायरसेस, जानबूझकर वायरसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि ताकि उस प्रोग्राम को हार्म पहुंचाया जा सके, उस सिस्टम को डैमेज किया जा सके. साइबर टेररिज्म, जो टेररिस्ट होते हैं वो भी अपना डेटा, जो गलत काम है, इलीगल काम है, उसको गूगल ड्राइव या यूएसबी मेमोरी स्टिक्स पे सेव कर सकते हैं. ऑनलाइन सेल्स ऑफ इलीगल आर्टिकल, ड्रग्स वगैरह ऑनलाइन बिकने लग जाएं. साइबर पोर्नोग्राफी भी होती है. फिशिंग एंड ईमेल स्कैमिंग, कि आपने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली, आपने उसकी सेंसिटिव डेटा को चोरी कर लिया. थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपके क्रेडिट कार्ड पासवर्ड से जो कॉन्फिडेंशियल है बहुत ज़्यादा, उनकी चोरी हो सकती है. सोर्स कोड थेफ्ट, सोर्स कोड जो ज्वेल है उसकी चोरी हो सकती है. एंड साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का मतलब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे हुए उसके कंप्यूटर का डेटा को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को हार्म पहुंचा सकते हैं. तो ये सारे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे अपने आईटी एक्ट में ही है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉस. जो ये साइबर लॉ बन के आया, साइबर क्राइम से बचने के लिए जो लॉ बन के आया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं. साइबर ई कॉमर्स के लिए साइबर लॉज का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है. ई कॉमर्स जो भी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करते हैं उनके लिए साइबर लॉ बहुत पॉजिटिव है. कैसे कैसे पॉजिटिव है उनके लिए? जो साइबर लॉज बन गया उसके हेल्प से जो ईमेल है, ईमेल अब वैलिड मोड बन गया कम्युनिकेशन का. मतलब ईमेल की हेल्प से आप एक दूसरे से वैलिड तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो. इसको वैलिड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाने लगा साइबर लॉ की वजह से. ठीक है, अब कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आसानी से कर सकती हैं. इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म कर सकती हैं, बस वो लीगल जो भी ई कॉमर्स के जो भी लीगल राइट्स वगैरह होते हैं वो फॉलो कर आप आसानी से बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन परफॉर्म कर सकती हैं. डिजिटल सिग्नेचर्स को वैलिड सिग्नेचर्स माने जाने लग गए. मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स एक तरीके के वैलिड प्रूफ हैं कि उस बंदे ने सिग्नेचर किया है, उसको वैलिड माना जाने लगा. यहाँ पे जो कुछ कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू कर सकती हैं आसानी से. कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या इशू कर सकती हैं? डिजिटल सिग्नेचर के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लीगल तरीके से अब इशू किया जा सकता है. एंड गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को अगर कोई नोटिफिकेशन देना है किसी भी चीज़ का, तो गवर्नमेंट ऑनलाइन वेब पे, वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन दे सकती है, ठीक है। देन कोई भी कंपनी कोई भी फॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन फिलअप कर सकती है। किसी और कंपनी का फॉर्म फिलअप करना है, किसी और कंपनी के लिए कोई एप्लीकेशन देनी है, तो वो काम आप आसानी से ऑनलाइन वे में कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी, कितनी क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, सबको सिक्योरिटी पे बात करनी है, इसके बारे में भी बात की गई है कि सिक्योर होना चाहिए। एंड जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होने चाहिए, वो एक सिक्योरिटी मीडियम होना चाहिए, उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओगे आप। तो एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस मिले जब अपन ने लॉ बना दिया, साइबर लॉ, ई कॉमर्स के लिए जो आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ बना दिया, उसके क्या आपको बेनिफिट्स मिले कि ई कॉमर्स ईमेल अब वैलिड कम्युनिकेशन मीडियम काम में लिया जाने लगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लीगल हो गया, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर सकती है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को काम में लेते हुए। डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल फॉर्म ऑफ सिग्नेचर्स माना जाने लगा कि ऑथराइज बंदा है अगर वो डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है तो। एंड कंपनीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकती हैं, गवर्नमेंट्स अपना कोई नोटिफिकेशन देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं ऑनलाइन के हेल्प से। अगर आपको कोई भी कंपनी को किसी और कंपनी का फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करना है तो कर सकते हैं। सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, एंड जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी भी सिक्योरिटी की बात करी जाती है। इसीलिए ये साइबर लॉज बनाए गए हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, एंड उसके ये सारे आपको एडवांटेजेस बेनिफिट्स मिले। देन प्राइवेसी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ के अंदर प्राइवेसी की बातें की गई हैं। प्राइवेसी अपन पढ़ चुके हैं, प्राइवेसी क्या होता है, प्राइवेसी के मेन प्रिंसिपल्स, प्राइवेसी कोई भी चीज़ प्राइवेसी होगी उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या होंगे, मतलब प्राइवेसी के मेन प्रिंसिपल्स एज पर द आई टी एक्ट 2000 ने क्या बताया कि प्राइवेसी के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स, आप डिफाइन करोगे, आप क्लियरली बताओगे आपका डेटा क्या है, कंप्यूटर डेटाबेस क्या होता है ये क्लियरली पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होती है, इनकी सबकी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो उसको सिविल लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उसके ऊपर सिविल लाइबिलिटी लगेगी। कोई गलत काम करता है, कोई भी कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल काम करता है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी, सिविल काम करता है तो सिविल लाइबिलिटी लगेगी उस बंदे के ऊपर, क्रिमिनल लाइबिलिटी या सिविल लाइबिलिटी। और कंप्यूटर को अपन डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये प्रोटेक्टेड सिस्टम है, इसको अपन को प्रोटेक्शन देनी है, इस पर सिक्योरिटी रखनी है। अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया, ब्रेक कर दिया, तो आपको उसके बदले पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड ये सारे चीज़ें, ये प्राइवेसी के यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो प्राइवेसी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रिंसिपल्स बताएं प्राइवेसी से रिलेटेड, कि यहाँ पे क्लियरली डिफाइन होना चाहिए क्या डेटा है, क्या कंप्यूटर का डेटाबेस है, क्या इंफॉर्मेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, सब कुछ क्या है उसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर टर्म्स में होनी चाहिए। अगर कोई बंदा कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है गलत चीज़ को, तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी या सिविल लाइबिलिटी लगेगी। एंड आप डिक्लेयर करो कि ये कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योर्ड होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। एंड अगर किसी ने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच, ब्रेक करने की कोशिश की, तो उस बंदे पे पेनल्टी लगेगी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं प्राइवेसी के लिए। देन नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, दैट इज SPDI। ये भी अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्या होता है SPDI का मतलब, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, SPDI, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। SPDI के रूल्स पास हुए, रूल्स 2011 में पास हुए, अंडर सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसका 43A सेक्शन जो है उसके अंदर यहाँ पे कौन सी चीज सेंसिटिव होगी उसके रूल्स पास ऑन किए गए हैं। तो रूल्स पास हुए 2011 में अंडर सेक्शन 43A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर यहाँ पे पास किए गए हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट अपन ने पढ़ा था डिटेल में। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि कौन से डिजिटल डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, कौन से डिजिटल डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते। देन स्कोप ऑफ रूल्स, ये जो रूल्स पास हुए इनका स्कोप कितना है, ये रूल्स जो पास हुए हैं SPDI के लिए इनका स्कोप कितना है, ये रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये रूल्स अप्लाइड हैं बॉडी कॉर्पोरेट पे।
ये रूल्स किस पे अप्लाइड है? बॉडी कॉर्पोरेट पे. अभी बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल. बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी जो कमर्शियल और प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो लोग कमर्शियल या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उन सबको अपन ने किस में डाल दिया? बॉडी कॉर्पोरेट में डाल दिया. और उनको बताया गया कि आपको इस तरीके से सेंसिटिव डेटा को यूज में लेना है. तो जो सेंसिटिव एसपीडीआई के जो रूल्स हैं वो किस पे अप्लाइड है? बॉडी कॉर्पोरेट पे. कि बॉडी कॉर्पोरेट किस तरीके से एसपीडीआई को काम में ले सकती हैं. बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आ गया? कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, उन सबको अपन किस में कह देते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट में कह देते हैं. पर ये जो रूल है, ये जो रूल है एसपीडीआई का, ये एक्सक्लूड करता है. एक्सक्लूड मतलब नॉट इंक्लूडेड. इसमें कौन लोग इंक्लूड नहीं होते, किसके बारे में बात नहीं की गई कि आपको इस तरीके से सेंसिटिव डेटा को यूज में लेना चाहिए? जो लोग भी बिग डेटा को काम में ले रहे हैं, जो लोग भी बिग डेटाबेस को काम में ले रहे हैं, वहां पे एसपीडीआई के रूल्स अप्लाई नहीं होते. आजकल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल स्मार्ट सिटीज बनती जा रही हैं, सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है. तो हर जना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब लोग क्या काम में ले रहे हैं? सब लोग बिग डेटा को काम में ले रहे हैं. एंड जो लोग भी बिग डेटा को काम में लेते हैं, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता. एसपीडीआई का रूल अप्लाई नहीं होता. तो स्कोप ऑफ रूल, जो एसपीडीआई का रूल बना, वो किस पे अप्लाई है? वो सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट पे अप्लाई है. कि बॉडी कॉर्पोरेट किस तरीके से डिजिटल डेटा को यूज में ले सकते हैं, सेंसिटिव डेटा को काम में लिया जा सकता है. बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आ गया? कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी कमर्शियल या जो भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं लोग, उनको अपन बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं. इस रूल में वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे जो बिग डेटा को काम में लेते हैं. आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट सिटीज की वजह से पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, सब लोग बिग डेटा को काम में ले रहे हैं. उन पे एसपीडीआई के कोई रूल्स अप्लाई नहीं किए जाते. देन ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता क्या है? ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा. ये पर्सनल डेटा या सेंसिटिव पर्सनल डेटा का मतलब होता क्या है? डेफिनेशन इसकी, अकॉर्डिंग टू द रूल टू आई. रूल टू आई क्या बोलता है? रूल टू आई क्या बोलता है कि किस चीज को पर्सनल डेटा कहोगे? कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जिस भी इंफॉर्मेशन की वजह से अगर आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये बंदा कौन है, उसको अपन सेंसिटिव पर्सनल डेटा कहते हैं. तो रूल टू आई क्या बोलता है? रूल टू आई बोलता है कि किस चीज को आप पर्सनल इंफॉर्मेशन कहोगे? कि जो भी इंफॉर्मेशन कोई नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होगी, और उस इंफॉर्मेशन से अगर उस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल रहा है, चाहे डायरेक्टली बता रही हो वो इंफॉर्मेशन, चाहे इनडायरेक्टली अपन उस पर्सन की आइडेंटिटी निकाल पा रहे हैं, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या बोल देते हो? सेंसिटिव पर्सनल डेटा बोल देते हो. देन अकॉर्डिंग टू द रूल थ्री के अकॉर्डिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा मतलब क्या होता है? रूल थ्री बोलता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा मतलब आपका पासवर्ड, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है. आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है? आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कंडीशन, आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या, ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक मतलब आई, रेटिना, थंब इंप्रेशन, ये जो होती है, ये सब आपकी क्या होती है? आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है. तो किस चीज को आप सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन कहोगे? रूल टू आई तो बोलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो, जो नेचुरल पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में बता रही हो, उसको सेंसिटिव कहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली बता रही हो चाहे इनडायरेक्टली. रूल थ्री क्या बोलता है? कोई भी पासवर्ड्स, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ कंडीशंस, आपकी बायोमेट्रिक्स इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, पर्सनल डेटा होता है. देन कंसेंट टू कलेक्ट. कलेक्ट करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है सेंसिटिव पर्सनल डेटा को. जब भी आप कलेक्ट करते हो तो पहले आपको कंसेंट लेना पड़ता है. कंसेंट मतलब परमिशन लेनी पड़ती है. तो रूल फाइव वन
रूल 5(1) क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ही तो काम मिलेगी सेंसिटिव पर्सनल डेटा को, उसको कलेक्ट करने से पहले, एसपीडीआई को कलेक्ट करने से पहले वो कंसेंट लेंगे. कंसेंट मतलब प्रायर परमिशन, पहले से परमिशन लेंगे. किससे परमिशन लेंगे? जो प्रोवाइडर है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है उससे मैं परमिशन लूंगी कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं कहाँ कहाँ काम में ले सकती हूँ, इस इन्फॉर्मेशन का मैं कहाँ कहाँ यूज में ले सकती हूँ, मैं उससे परमिशन लूंगी. और ये जो मैं परमिशन ले रही हूँ, ये परमिशन रिटर्न फॉर्म में लूंगी, रिटर्न फॉर्म में, कि बाद में मुकर नहीं जाए वो, या तो लेटर लिखकर वो देगा या ईमेल करेगा उस चीज़ की परमिशन के लिए, या उस चीज़ के लिए वो मुझे फैक्स करेगा. तो रूल 5(1) क्या कहता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है एसपीडीआई वाली, तो उससे पहले वो परमिशन लेगी प्रोवाइडर से कि हम उसको यहाँ यहाँ काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कहाँ कहाँ हम उसको यूज में ले सकते हैं, उस चीज़ की परमिशन ली जाएगी. ये जो परमिशन होती है रिटर्न फॉर्म में लोगे, लेटर में, ईमेल की फॉर्म में, फैक्स के फॉर्म में आप परमिशन ले सकते हो. बट ये रूल 5(1) तो यही कहता है, पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जहाँ नो ह्यूमन इंटरेक्शन. कई बार आपसे आपका डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है पर आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, फिर भी आपका डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, लाइक सेंसर्स की हेल्प से. सेंसर्स की हेल्प से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कई बार कलेक्ट कर ली जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टम ऑटोमेटिकली यूज में ले लेता है. सेंसर्स की हेल्प से उसने आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उसने उस इंफॉर्मेशन को यूज ले सकता है, उसको रीयूज बार बार यूज में ले सकता है अलग अलग तरीके से. तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं होता, कि हर चीज के लिए पहले कंसेंट ले. पॉसिबल नहीं होता कि पहले मैं आपसे रिटर्न फॉर्म में परमिशन लूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ यहाँ काम में ले सकती हूँ. वहां पे रिटर्न फॉर्म में परमिशन लेना पॉसिबल नहीं होता. तो जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सेंसर्स की हेल्प से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ली, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो वहां पे हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो प्रोवाइडर है उसे परमिशन लो कलेक्ट करने से पहले कि मैं उसको यूज में ले सकती हूँ नहीं ले सकती. रिटर्न फॉर्म में हर वक्त परमिशन लेना पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट है कंसेंट टू डिस्क्लोजर. डिस्क्लोज करने से पहले, किसी और को बताने से पहले, तो रूल 6 आया इसके लिए. रूल 6 बोलता है कि जब भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी थर्ड पार्टी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है, एसपीडीआई कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही है, तो उससे पहले, डिस्क्लोज करने से पहले, उसको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी. जो प्रोवाइडर है, जब उसने प्रोवाइडर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी तब उससे परमिशन, बाद में उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. उसको पहले से प्रोवाइडर से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो कंसेंट टू कलेक्ट रूल 5(1) क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जब इन्फॉर्मेशन एसपीडीआई को कलेक्ट कर रही है, तो उसके पहले वो प्रायर परमिशन लेंगी. प्रायर परमिशन प्रोवाइडर से ली जाएगी कि हम उसको कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं. प्रोवाइडर ये परमिशन रिटर्न फॉर्म में देगा, लेटर, ईमेल, फैक्स के फॉर्म में. पर कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, जहाँ पे सेंसर्स की हेल्प से आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है, तो वहाँ आपसे हर चीज़ के लिए पहले से परमिशन लेना रिटर्न फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता. कंसेंट टू डिस्क्लोजर रूल 6 कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट जब भी थर्ड पार्टी को कोई एसपीडीआई के बारे में बता रही है, तो उसके पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, जो दे रहा है एसपीडीआई उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस थर्ड पार्टी को अपन आपकी, हम आपकी ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. समझ में आ गया? एसपीडीआई रूल 2(i) के अकॉर्डिंग और रूल 3 के अकॉर्डिंग एसपीडीआई का मतलब क्या होता है, एंड एसपीडीआई का स्कोप ऑफ रूल. एसपीडीआई सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट पे अप्लाइड है जो कमर्शियल नॉन कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. एसपीडीआई के जो रूल्स हैं वो बिग डेटा पे अप्लाइड नहीं होते. जो लोग भी बिग डेटा को काम में ले रहे हैं उस पे एसपीडीआई का कोई रूल अप्लाई नहीं होता. क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? देन एक लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का रह गया, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. इसको ERM भी बोला जाता है. एंटरप्राइज रिस्क, एंटरप्राइज में जितने रिस्क आ रहे हैं उन सबको मैनेज करना. द
सर्वेंस ऑक्सले एक्ट एक्ट इन द यूएस, यूएस का एसओ एक्ट एक्ट है ये, सर्वेंस ऑक्सले एक्ट जो है, ये एक्ट क्या बोलता है, इस एक्ट पे फोकस किया गया है कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरीके से आप रिव्यू करते हो अपने इंटरनल कंट्रोल्स को, जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरीके से आप रिव्यू करते हो, और रिव्यू और इम्प्लीमेंट करोगे वो रिलेटेड होने चाहिए टू द फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से इवैल्यूएट करो क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या सिक्योरिटी लगाई है आपने, क्या क्या कंट्रोल्स लगाए हैं आपने रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम पे आपके क्या रिस्क आ सकते हैं, उन पे क्या कंट्रोल्स, क्या सिक्योरिटी आपने लगाई है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो SOX का मतलब सर्वेंस ऑक्सले एक्ट US का है। इसमें फोकस किया गया कि आप जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो या आप रिव्यू कर रहे हो अपने इंटरनल कंट्रोल्स को, तो हमेशा फाइनेंशियल ऑडिट के अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और फाइनेंशियल ऑडिट के अकॉर्डिंग ही उसको रिव्यू किया जाएगा। तो जब हर चीज में फाइनेंशियल ऑडिट हो रही है, इसीलिए जब भी आपको फाइनेंशियल सिस्टम जो है उस पर क्या रिस्क आ रहा है, उस पर क्या कंट्रोल्स, क्या सिक्योरिटी है, इसको देखना, इसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देन ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ये तो ये अपन ने SOX एक्ट के बारे में बताया। ERM का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसको किससे इफेक्ट हो सकता है, जिसको कौन, प्रोसेस को कौन इफेक्ट कर सकता है, कौन कौन लोग हैं, आपकी एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी मतलब क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको इफेक्ट कर सकते हैं, एंटिटी के मैनेजमेंट या एंटिटी के जो पर्सोनल्स होते हैं वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। कौन है ये लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, पर्सोनल्स, ये लोग कौन है जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मतलब एंटरप्राइज के जो लोग होते हैं वो इस प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस डिजाइन क्यों किया गया है, ये प्रोसेस इसीलिए डिजाइन किया गया है कि ये अपन आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसे कौन से पोटेंशियल इवेंट्स हैं, ऐसे कौन से पोटेंशियल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ सकता है, ऐसे कौन से पोटेंशियल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी एंटिटी को इफेक्ट हो सकता है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे, या ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो प्रॉब्लमेटिक होंगी ऐसी कौन सी चीजें होती हैं। तो ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है, जो प्रोसेस को कौन कौन इफेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, पर्सनल्स, जो लोग भी स्ट्रैटेजी बनाने में इन्वॉल्व हैं वो सारे लोग उस प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्यों डिजाइन किया गया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो एंटिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक सकती हैं, आपके ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, देन यहाँ पे जब भी अपन ये प्रोसेस रन करते हैं ERM वाला, तो वहाँ पे एक अजम्पशन लिया जाता है, वहाँ पे एक प्रिमाइस लिया जाता है। प्रिमाइस मतलब क्या होता है, अजम्पशन, आप अज्यूम करते हैं। जब भी अपन क्या करते हैं, जब भी अपन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वाला प्रोसेस चलाते हैं तो एक चीज अज्यूम करके चलते हैं, क्या अज्यूम, कि कोई एवरी एंटिटी का मतलब कोई भी हो, चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है कि हमें हमारे स्टेक होल्डर्स को, हमें हमारे स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देने हैं। चाहे किसी भी तरीके की एंटरप्राइज हो, चाहे किसी भी तरीके की एंटिटी हो, उस पे जो इवेंट्स होते हैं, हर एक एंटिटी अनसर्टेनिटी को फेस करती है, अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है। ये अनसर्टेनिटी आपके लिए रिस्क भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी जैसे भी क्रिएट हो सकती है।
ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है वो किस लेवल तक अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकता है ताकि वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवा सके, वो अपने स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको मैक्सिमम ग्रैब करना है, रिस्क आ रहा है तो उसको कम मिटिगेट करते जाना है, कम से कम करना है ताकि अपन अपने स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवा सके। तो ये होती है आपकी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन। क्या है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्यों डिजाइन किया गया? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसकी वजह से एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को फर्क पड़ सकता है, एंटिटी को फर्क पड़ सकता है। ये जो प्रोसेस है इसको इम्पैक्ट कौन कौन कर सकते हैं? इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको मैनेजमेंट पर्सनल्स या जो लोग भी स्ट्रैटेजी बनाने में इन्वॉल्व हैं वो सारे लोग इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। जब भी अपन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस रन करते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेते हैं कि हर एक तरह की एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट, चाहे गवर्नमेंट, सबका एम क्या है? मैं ये मानकर चलती हूँ सबका एम है कि अपने स्टेक होल्डर्स को हमें मैक्सिमम वैल्यू देनी। स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके कस्टमर्स आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज आपके लिए स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज, ये सब आपके लिए स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो उनको अपन मैक्सिमम वैल्यू देना चाहते हैं। हर एक एंटरप्राइज जो होती है उसमें अनसर्टेनिटी को फेस करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट, चाहे गवर्नमेंट, सबको अनसर्टेनिटी को फेस करना ही पड़ेगा। किसी का भी एनवायरनमेंट फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन है मतलब रिस्क भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पे बेसिकली इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे अनसर्टेनिटी को ताकि मैक्सिमम वैल्यू आप प्रोवाइड करवा सकें, आप अपने स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, देन बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट बेनिफिट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट बेनिफिट, अलाइन रिस्क एपिटाइट, अलाइन रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रैटेजी। ये रिस्क एपिटाइट का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। रिस्क एपिटाइट का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ रिस्क, कितना रिस्क आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, कितना एक्सेप्टेबल आपके लिए रिस्क है, कितना रिस्क अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी, हम कितना रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी को रिस्क एपेटाइट बोलते हैं। तो जब भी आप इवैल्यूएट, आप बहुत सारे आपके पास स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से अपन एक चूज करते हैं। तो जब भी स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स में से आपके पास बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उनको जब भी आप इवैल्यूएट करोगे तो उनका सबसे पहले रिस्क एपिटाइट करोगे। रिस्क एपिटाइट मतलब हर एक ऑल्टरनेटिव में कितना रिस्क आ रहा है और कितना मैं हैंडल कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी को चूज कर लेती हूँ। जितना मैं रिस्क को हैंडल कर सकती हूँ मुझे फायदे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और ये तरीका ढूंढते हो कि कैसे अपन रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जो रिस्क आ रहा है इस स्ट्रैटेजी को जो मैंने चूज किया उसमें जितना रिस्क था उसको मैं मैनेज कैसे कर सकती हूँ, उसके तरीके ढूंढे जाते हैं। अलाइन मतलब लिंक करो किस चीज को, रिस्क एपेटाइट को, स्ट्रैटेजी को। आप वो ही स्ट्रैटेजी चूज करो कि उसमें इतना ही रिस्क हो जिसको आप हैंडल आसानी से कर सकते हैं, जिसको आप मैनेज आसानी से कर सकते हैं। आप उसी स्ट्रैटेजी पे जाओ, उसी तरीके का ऑब्जेक्टिव बनाओ और रिस्क को कम करने के तरीके ढूंढते रहो उस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हर जगह रिस्क है। तो रिस्क को और कैसे अपन कम कर सकते हैं इसके मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। देन सेकेंड बेनिफिट है लिंक करो। तीन चीज़ों को लिंक किया जाता है, किन किन को? ग्रोथ को, रिस्क को एंड रिटर्न। लिंक करो ग्रोथ को, रिस्क को एंड रिटर्न को। कैसे लिंक करोगे ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न को? यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो सबसे पहले देखा जाए, ERM की हेल्प से देखा जाता है क्या क्या रिस्क है, उनको असेस किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको समझा जाता है, रिस्क को ERM की हेल्प से समझ सकते हो। और फिर आप देखते हो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कितना है, कितना रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ रिलेटेड टू ग्रोथ एंड रिटर्न, कि मुझे इतनी ग्रोथ मिलेगी, इतना मेरे को रिटर्न मिलेगा, उतना रिस्क तो मुझे उसके लिए लेना ही पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा और ये मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो इतना रिस्क मैं आसानी से बेयर
शेयर कर सकती हूँ, ये वाला रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। कहते हैं ना बिना रिस्क के कोई गेन नहीं है, तो इतना रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा अगर आपको इतना ग्रोथ और इतना रिटर्न चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या रिस्क आ रहा है, उसको समझो, फिर कितना रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड रिटर्न, कि इतनी ग्रोथ मुझे पानी है तो इतना रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा, इतने मुझे रिटर्न्स भी तो मिल रहे हैं उससे। देन नेक्स्ट है इसमें एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, रिस्क को किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अपन ने पढ़ा था रिस्क रिस्पॉन्ड की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थी, कैसे कैसे रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आप, रिस्क को अवॉइड कर सकते हो, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, रिस्क को शेयर कर सकते हो और रिस्क को अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अपन काम में ले सकते हैं। तो किस तरीके से अपन अपने रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो देख, वो ERM उसमें हेल्प करता है अपन को। देन नेक्स्ट बेनिफिट है ERM का, नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस। जो भी काम करने से जो भी लॉस हो रहा है या एकदम से अचानक से कोई ऐसा काम आ गया जिस पे मैं काम ढंग से नहीं कर पा रही तो उसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, उस चीज़ को ERM कम करने की कोशिश करेगा। ERM में ये आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है कि कौन से पोटेंशियल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको हार्म हो सकता है, क्या क्या रिस्क आ सकता है। ERM आपको पहले ही बता देगा ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं, उनमें ये सारा रिस्क आ सकता है, आप इन रिस्क को ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता होंगी, तो जो भी सरप्राइजेस और जो कॉस्ट लगने वाली उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। सरप्राइजेस का जो इम्पैक्ट होगा कि कोई सरप्राइज आ गया और जो जिस चीज़ की जितनी कॉस्ट लगती है उसको अपन कम कर सकते हैं, क्योंकि ERM मुझे पहले से बता देगा क्या इवेंट्स होने वाले हैं एंटरप्राइज पे जिसकी वजह से एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को फर्क पड़ सकता है, क्या रिस्क आ सकता है उसको कैसे रिस्पॉन्ड आप कर सकते हो, ताकि आप जो सरप्राइज आने वाला है किसी की कॉस्ट लगने वाली है उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे कम कर सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, मतलब ERM आपको हेल्प करता है कि आप सिर्फ खुद का रिस्क के बारे में बात मत करो, आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल की मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने ये काम किया तो ये रिस्क आ जाएगा, नहीं इंटर रिलेटेड रिस्क को भी समझो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये काम किया तो उसकी वजह से मुझे ये रिस्क हो सकता है, अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने ये स्टेप उठाया ये स्ट्रैटेजी उठाया उसकी वजह से मुझे क्या क्या रिस्क आ सकता है। ERM ये भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, इंटर रिलेटेड रिस्क को भी अंडरस्टैंड करने में ERM आपकी हेल्प करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बेनिफिट है इसकी दैट इज प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क, मल्टीपल रिस्क बहुत सारे रिस्क को आप इंटीग्रेटेड एक साथ रिस्पॉन्ड करने में भी ERM हेल्प करता है। आपने पढ़ा था अभी पढ़ाया था मैंने पिछला टॉपिक कि बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस होते हैं उनमें बहुत सारे रिस्क होते हैं इनहेरेंट होते हैं, तो ERM एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इंटीग्रेटेड मतलब उसी के अंदर सोल्यूशन लगा हुआ ERM के अंदर ही, जिससे इतने सारे रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं तो ERM एक तरीका देता है जिससे उन सारे रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका दैट इज सीज अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना। ERM के अंदर पोटेंशियल इवेंट्स की बातें की जाती है, मैंने हमेशा ये बोला ERM के अंदर की पोटेंशियल इवेंट्स क्या आ रहे हैं ये बताएगा। इवेंट्स दोनों चीज़ें होती हैं, इवेंट्स में रिस्क भी होते हैं तो इवेंट्स में अपॉर्चुनिटी भी होती है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क की बातें नहीं की जाएंगी। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर उसके लिए आप पहले से पता रहेगा आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उसको आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं कि ये अगर इवेंट आया तो मेरे लिए मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। एंड लास्ट इसका बेनिफिट है दैट इज रैशनलाइज कैपिटल का मतलब जितना डिटेल में आपके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होगी, जितनी डिटेल में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि क्या रिस्क आ रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स अपन कर सकते हैं,
उतने अच्छे से अपन ये असेस कर सकते हैं कि कितनी कैपिटल की मुझे ज़रूरत होगी, कितनी कैपिटल की मुझे नीड होगी, एंड और मैं कैपिटल एलोकेशन को और इम्प्रूव कर सकती हूँ क्या. जहाँ मैंने एलोकेट किया उससे अच्छा तरीका है कि उस कैपिटल को एलोकेट करने का. अगर आपको पता है ये यहाँ रिस्क आ सकते हैं तो आप ये सारी चीज़ें आसानी से पता लगा सकते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के. क्या क्या बेनिफिट्स अपन ने पढ़े एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के. सबसे पहला अलाइन रिस्क कैपिटाइट एंड स्ट्रैटेजी. रिस्क कैपिटाइट का मतलब क्या होता है कि रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, आप कितना रिस्क को हैंडल कर सकते हैं. अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे पहले सबको रिस्क कैपिटाइट देखोगे, फिर उनमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी को चूज करोगे, उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव बनाओगे और रिस्क को कम करने की कोशिश करोगे. सेकेंड है लिंक करो ग्रोथ रिटर्न्स एंड द रिस्क को. तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है यार हम क्या रिस्क है उसको समझने में हेल्प करता है, कितना हम रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्रोथ और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमें इतना ग्रोथ चाहिए तो हमें इतने रिस्क को तो लेना ही पड़ेगा, इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा. एनहेंस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन. आप रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यार हम, इसमें भी आपको हेल्प करता है. अवॉइड कर सकते हो, रिड्यूस, शेयर, एक्सेप्ट, कुछ भी कर सकते हो. मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेज एंड लॉसेज. ERM पहले से बता देता है क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, किसमें क्या रिस्क होगा, उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर पाओगे, ताकि सरप्राइज की वजह से जो कॉस्ट आपकी लग सकती है वो कॉस्ट यहाँ पे आप कम लगा सकते हो. पहले से प्रिपेयर रहोगे तो जो कॉस्ट लॉस हो सकता है वो आप कम कर सकते हो. आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क. यहाँ पे इंडिविजुअल सिर्फ मुझे कितना रिस्क हो रहा है, मैंने ये काम किया तो ये रिस्क आ सकता है, उसकी बात नहीं करते. इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट भी क्या पड़ेगा, किसी और ने कुछ काम किया तो उसकी वजह से मेरे को क्या क्या रिस्क होता है ये भी बात करी जाती है. प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क. एक ही बिजनेस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं तो ERM आपको इंटीग्रेटेड सोल्यूशन देता है उन सबको मैनेज करने के लिए, उन सबसे हैंडल करने के लिए. Seize opportunity. ERM में potential events की बातें की जाती हैं और events में risk भी हैं, opportunities भी हैं. तो आप opportunities को आसानी से grab कर सकते हो, उनके फायदे उठा सकते हो. Rationalize capital. जितना clear information आपके पास होगी कि क्या क्या risk आ रहा है, किस किस तरीके का risk आ रहा है, उसका क्या impact पड़ेगा, उतना आपको पता लगेगा कि हम कितनी कैपिटल की हमें और जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ हम और कैपिटल को अलोकेट कर सकते हैं, क्या इससे अच्छा तरीका है कि कैपिटल को अलोकेट करने. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. उससे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. Framework of Enterprise Risk Management. Framework of Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management का क्या framework होता है? Enterprise Risk Management एक framework provide करवाता है risk को manage करने के लिए. Risk को manage करने के लिए यहाँ पे एक framework provide करवाया जाता है. उसमें उस फ्रेमवर्क में क्या बताया जाता है, आइडेंटिफाइंग इवेंट्स. इस फ्रेमवर्क की हेल्प से इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. इवेंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से जरूरी हैं, इवेंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम भी दे सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं, जैसे कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की. रिस्क ERM की हेल्प से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रिस्क आ रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनके कितने किसके आने के चांसेस हैं, लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग, किसके कितने आने के चांसेस हैं. अगर रिस्क आ गया या अपॉर्चुनिटी आ गई तो किसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और उसको आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे और उनका काम को कैसे मॉनिटर करेंगे. तो ये सारी बातें फ्रेमवर्क में बताई गई हैं. फ्रेमवर्क क्या बताता है ERM का, कि क्या क्या ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव को फर्क पड़ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ज़रूरी है. क्या क्या इवेंट्स हैं, रिस्क या अपॉर्चुनिटीज, उनके आने के कितने चांसेस हैं, अगर वो आ गए रिस्क या अपॉर्चुनिटी किसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसको कैसे रिस्पॉन्स करना है और उनकी प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करना है. जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं और
प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिवली मतलब इनिशियली स्टेप लेना, फर्स्ट स्टेप लेना किसी भी चीज के लिए। अगर आप प्रोएक्टिवली रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, प्रोएक्टिवली रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो आप ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। आपको पहले से पता है अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आ सकती है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं ताकि उसका मैक्सिमम फायदा उठा सकें। अगर आपको पहले से पता है ये रिस्क आने वाला है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं ताकि उस रिस्क से होने वाला जो लॉस है, इम्पैक्ट है, वो आपका कम से कम हो सके। और आप अपने स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज, उनको आप ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा सकें। ये होता है ERM का फ्रेमवर्क। देन लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ERM। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके कंपोनेंट्स के नाम वैसे से ही हैं जैसे अपने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े थे, वही नाम है यहाँ पे। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है कि किस तरीके से रिस्क आ रहा है, क्या क्या उस पर कंट्रोल्स आप लगाए हो, एंड कौन लोग हैं, एंटिटी के कौन लोग हैं जो इसको एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस मतलब मैनेज कर रहे हैं, मैनेज मतलब सॉल्व कर रहे हैं, जो रिस्क आ रहा है उसको सॉल्व करना, रिस्क को कम करना, कंट्रोल्स लगाना, ये काम को मैनेज करना कौन करता है, रिस्क और कंट्रोल का, एंटिटी के पीपल, जो लोग काम करते हैं। जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको एंटरप्राइज का कोर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके एट्रीब्यूट्स, किस तरीके के लोग काम करते हैं, क्वालिफाइड हैं कि अनक्वालिफाइड लोग हैं, उनकी एथिकल वैल्यूज़ कि वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं नहीं सोचते, एथिकल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें, उनकी कॉम्पिटेंसी स्किल्स कितना, वो एक दूसरे से कॉम्पिटेंसी स्किल्स कितनी शार्प है कितनी नहीं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और किस एनवायरमेंट में वो काम करते हैं, एंड जो लोग हैं वो किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। ये सारी लोगों पे ही हर चीज़ डिपेंड करती है। कोई भी जो एंटरप्राइज है उसका मेन चीज़, मेन कोर कौन होते हैं, लोग, और लोगों पे ही उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरी बिजनेस उसका डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में यहाँ लोगों की बातें की गई है कि लोग किस तरीके के आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो रिस्क और कंट्रोल को मैनेज करने वाले हैं। सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव सेटिंग। आप ऑब्जेक्टिव जब भी सेट करो, ऑब्जेक्टिव जब भी आप सेट कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव, आप अपनी एंटरप्राइज के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करो, हमेशा ऑब्जेक्टिव जो है वो मिशन के अकॉर्डिंग, जो आपके बिजनेस का मिशन या विजन है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, एंड रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। रिस्क एपिटाइट का मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते टाइम क्या क्या रिस्क आएंगे, कितने रिस्क को मैं मैनेज कर सकती हूँ अगर मुझे इस ऑब्जेक्टिव तक जाना है, तो कितनी मेरी कैपेबिलिटी, उसी के अकॉर्डिंग रिस्क ऑब्जेक्टिव को आप सेट करते हो। देन थर्ड कंपोनेंट है इसका, दैट इज इवेंट आइडेंटिफिकेशन। थर्ड कंपोनेंट क्या है इसका, इवेंट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे ERM के अंदर पोटेंशियल इवेंट्स कौन से आ रहे हैं और किस इवेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे, ये सारी बातें यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती हैं। अब इवेंट्स में आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हो, इवेंट्स को लिया बहुत सारे फैक्टर्स देते हो, आप इंटरनल फैक्टर्स को भी एनालाइज करते हो, इवेंट्स में आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी एनालाइज करते हो कि कौन सा इवेंट ऐसा है जो इम्पैक्ट करेगा मेरी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते टाइम, कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव अचीव करते टाइम कौन सी चीज़ें इफेक्ट करेंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें, और कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे रिस्क आ रहा है, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो इवेंट आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पे पोटेंशियल इवेंट्स को और उनका क्या इंपैक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ERM के अंदर। उनके हर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन को इम्पैक्ट करेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट को इफेक्ट करेंगी, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो रहा है, और कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका ERM का, दैट इज रिस्क को असेस करना। असेस मतलब उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, रिस्क कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके आने के कितने चांसेस है।
रिस्क असेसमेंट दोनों, इनहेरेंट रिस्क कितना है और रेसिडुअल रिस्क कितना बच गया, मतलब आपने कंट्रोल्स लगा दिए उसके बाद भी क्या रिस्क बच गया, और ऐसे कौन से रिस्क हैं जो इनहेरेंट है ही है, शुरू में कितने थे, बच कितने गए रिस्क, आने के कितने चांसेस हैं, लाइकलीहुड रिस्क के आने के कितने चांसेस, अगर कोई रिस्क आ गया तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये सारी बातें यहाँ पे अंडरस्टैंड करी जाती हैं, रिस्क को प्रॉपरली थॉरली असेस किया जाता है। देन रिस्क रिस्पॉन्स, अगर कोई रिस्क आ गया तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, उसको रिस्पॉन्स करेंगे अवॉइड मिटिगेट, ये चार अपन ने पढ़ी थी रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज, कौन सी होती हैं, अवॉइड करना, एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो, तो चार तरीके से रिस्क को रिस्पॉन्स किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है अपना कंपोनेंट दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका कंट्रोल, रिस्क आ गया तो क्या क्या कंट्रोल्स लगा रहे हो, कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, आप क्या लगाते हो, कंट्रोल्स मतलब पॉलिसीज यूज में लेते हो, आप कौन सी पॉलिसी कौन से प्रोसीजर काम में लोगे, किस चीज़ के लिए, कि हमने जो भी रिस्क रिस्पॉन्स काम में लिया है, हमने जो भी रिस्क को रिस्पॉन्स करने का जो भी आपने स्ट्रेटेजी काम में लिया उसको आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए, इस चीज़ के लिए आप क्या पॉलिसी प्रोसीजर काम में लेते हैं, ये सारी बातें कंट्रोल एक्टिविटीज़ में करी जाती हैं। तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ बेसिकली बताता है आप क्या पॉलिसी प्रोसीजर काम में लेंगे, जो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी आपने चूज़ की उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या पॉलिसी प्रोसीजर काम में लेंगे। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन हर लेवल पे होना ज़रूरी है, एट द ऑल लेवल्स, हर लेवल पे एंटिटी के हर लेवल पे इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, ताकि रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, रिस्क को असेस कर सकें और रिस्क को रिस्पॉन्स कर सकें, तो हर लेवल के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या रिस्क आ रहा है, ताकि उस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको असेस किया जा सके, उसको रिस्पॉन्स किया जा सके। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब टॉप डाउन कम्युनिकेशन होना चाहिए, बॉटम अप कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और अक्रॉस एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्टली भी कम्युनिकेशन कर सकता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो लोग काम करते हैं, जो पर्सनल्स काम करते हैं, उनको क्लियरली पता होना चाहिए उनकी क्या रोल्स हैं और उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये उनको क्लियरली पता होनी चाहिए। एंड लास्ट कम्पोनेंट है इसका दैट इज मॉनिटरिंग, लास्ट कम्पोनेंट क्या है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब ध्यान रखो, तो जितना भी ERM प्रोसेस है इसको आप मॉनिटर करते रहोगे, मॉनिटर देखते रहोगे वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहा, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो आप कर दोगे मॉडिफिकेशन, मॉनिटरिंग ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी काम में ले सकते हो, और सेपरेट अपन मॉनिटरिंग में आप ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी काम में ले सकते हो और सेपरेट इवैल्यूएशन भी आप कर सकते हो, सेपरेटली आप इवैल्यूएट कर सकते हो ERM प्रोसेस को, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और सेपरेट इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो रिवाइज करते हैं फटाफट से क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े अपन ने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के। पहला कंपोनेंट है इसका दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे क्या रिस्क आ रहा है, क्या कंट्रोल आ रहा है, उसको मैनेज कौन करेगा, लोग एंटरप्राइज के लोग मैनेज करेंगे रिस्क और कंट्रोल को, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी लोग जो होते हैं वो कोर होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के लिए, उनका एट्रीब्यूट, उनके एथिकल वैल्यूज, उनकी कितनी कॉम्पिटेंसी स्किल है, वो किस एनवायरमेंट में काम करते हैं, इसी पे ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ डिपेंड करता है। देन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो मिशन विजन को देखते हुए ना आप अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। रिस्क एपिटाइट का मतलब क्या होता है, मेरे अंदर कितनी रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा। देन इवेंट्स आइडेंटिफिकेशन, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना, हर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, उनके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को, कि किस वजह से स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन और ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट को फर्क पड़ सकता है, कौन से ऐसे इवेंट्स जो रिस्क को शो कर रहे हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स जो अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन रिस्क असेसमेंट कि रिस्क इनहेरेंट है या रेसिडुअल है, उसका आने के चांसेस कितने हैं, कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किसी भी इवेंट की वजह से ये अंडरस्टैंड किया जाता है। रिस्क रिस्पॉन्स, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, अवॉइड करोगे, एक्सेप्ट करोगे, रिड्यूस करोगे या शेयर करोगे।
देन कंट्रोल एक्टिविटीज, आप क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स काम में लोगे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी को. रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए इसलिए अपन क्या पॉलिसी प्रोसीजर काम में लेंगे वो सारी कंट्रोल एक्टिविटीज हो जाती हैं. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन हर लेवल पे होना चाहिए ताकि जिसको आइडेंटिफाई असेस और रिस्पॉन्स किया जा सके. एंड कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टॉप डाउन बॉटम अप अक्रॉस ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्लियरली पता हो उनकी क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. देन मॉनिटरिंग, ईआरएफ प्रोसेस को मॉनिटर करते रहो और कोई चेंजेस करने तो चेंजेस करते रहो. मॉनिटरिंग ऑनगोइंग भी हो सकती है और सेपरेटली आप मॉनिटर सेपरेटली इवैल्यूएट भी कर सकते हो आप ईआरएफ प्रोसेस को या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी काम में ले सकते हो कि कुछ काम तो ऑनगोइंग मैनेजमेंट कर रहा है और कुछ काम आप सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया वो उसको मॉनिटर करने का काम कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया.